Hello everyone, welcome on Biology Blitz. And guys, this is my channel जिसका नाम है Biology Blitz. And मैं इस channel के through आपको पूरा biology मतलब botany और zoology का जो भी PGT, TGT, GIC, GIC आश्रम पद्धति, LT grade, NBS, KBS और जो भी आपके CSR, NET, JRF में जो भी बहुत ज़्यादा important topics हैं थ्रू आउट मैं सबकी स्टडी करवा रहा हूँ. बहुत सारे वीडियो लगभग 500 के करीब मैं वीडियो आपको बना के इस पे अपलोड कर चुका हूँ. और आज मैं आपसे बात करूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिमिक्री, जो कि सिग्निफिकेंट होने के साथ काफ़ी रेयर टॉपिक है. क्वेश्चन बहुत सिंपल भी आ जाता है और बहुत टिपिकल भी होता है, मतलब पता होना इंपॉर्टेंट है वरना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. ठीक है, तो मिमिक्री का मतलब आपको सिंपल समझा, जैसे कि कॉमेडियन कपिल शर्मा को देखा होगा मिमिक्री करते दूसरे लोगों की, इसी तरीके से एक हैबिट होती है जो एनिमल्स में पाई जाती है. वो अपने दूसरे मतलब जो एनिमल्स होते हैं जो उनसे बड़े पावरफुल होते हैं वो उन्हें प्रीडेट कर देते हैं. ठीक है, मतलब प्रे अपने प्रीडेटर से बचने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आकृति से कलर का चेंज करना बहुत सारी चीज़ें करता है और उन सब चीज़ों को कहते हैं मिमिक्री. तो मिमिक्री कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि वो प्रोडक्शन भी कर सकता है और कभी कभी वो अपने प्रे को मतलब पकड़ने के लिए मिमिक्री करता है. ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए छिप जाना और फिर उसे कैप्चर कर लेना, तो दोनों काम में आता है. तो मिमिक्री का अगर हम जनरलाइजेशन देखें तो आपको पता है कि एक हिडन काम की धोखा देना और किसी चीज़ को बचने में भी काम लेना और खुद को बचाने में भी काम लेना. ठीक है, तो मिमिक्री का अगर हम जनरलाइजेशन देखें तो जूलॉजी का एक टॉपिक होता है और इसका जो टर्मोलॉजी है वो ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है मिमिक्री. ठीक है, और जो उसकी कॉन्सेप्ट थी, जो उसकी धारणा थी, वो सबसे पहले H.W. बेट्स ने 1862 मतलब 19 सेंचुरी की धारणा है, ऐसा नहीं बहुत पुरानी नहीं, 19 सेंचुरी में इसका ओरिजिन हुआ था. अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारा इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें बटरफ्लाइज और मॉथ, ये दो कैटेगरी होती है इंसेक्ट की. ठीक है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा मतलब रिप्रेजेंटेड की जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बहुतायात में आपको बटरफ्लाइज और मॉथ में देखने को मिलती है. इसके अलावा हम बताएंगे बहुत सारे एनिमल्स हमारे जो भी रेप्टाइल्स हैं उनमें देखने को मिलती है. रेप्टाइल्स हुए, वर्टिब्रेट्स हुए, आपके एम्फीबियस जो भी हैं सभी मिलती है, मगर सबसे ज़्यादा जो है बटरफ्लाई और मॉथ मतलब जो आपके इंसेक्ट की कैटेगरी जो होती है उनमें देखने को मिलती है. इसके बाद एक सिंपल अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सुपरफिशियल रिजेंबलेंस ऑफ सर्टेन एनिमल्स टू अदर मोर पावरफुल एंड मोर प्रोटेक्टेड वंस, मतलब सुपरफिशियल रिजेंबलेंस ऑफ सर्टेन एनिमल्स, कुछ एनिमल अपनी सुपरफिशियल रिजेंबलेंस किसके साथ, अपने से ज़्यादा पावरफुल और अपने से ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनिमल की तरह दिखने की कोशिश करना, या उन वो ऐसे सुपरफिशियल रिजेंबलेंस उनकी होती है और जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं. तो कहने का मतलब डेफिनेशन को जनरल अगर टर्म में बात करें, सुपरफिशियल रिजेंबलेंस ऑफ सर्टेन एनिमल्स टू अदर मोर पावरफुल मोर प्रोटेक्टेड वंस, ठीक है, रिजल्टिंग इन प्रोटेक्शन. और इसके रेफरेंस इनके एवज के हिंदी बोलें तो हम इन्हें कि इनके बाद उन्हें मिलता क्या है, प्रोटेक्शन मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई. अच्छा, अब इसमें होता क्या, दो लोग आपने देखा कि एक मिमिक करता है, किसकी मिमिक करता है, तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक हो गया मिमिक और दूसरा हो गया मॉडल. तो मिमिक का मतलब वो एनिमल जो करता है कि मैं बच जाऊं अपने दुश्मन से, तो वो करता है एनिमल विच डू इमिटेट्स, जो ये एक्टिंग करता है, और जिसकी एक्टिंग करता है वो मॉडल कहलाता है. जैसे हम लोग जॉन अब्राहम की तरह अपना बॉडी बनाना चाहते हैं, तो जॉन अब्राहम तो मॉडल हो गया, हम क्या, हम उसकी मिमिक्री कर रहे हैं, हम मिमिक हो गए. तो दो चीज़ें ध्यान रखना है कि एनिमल विच इज इमिटेटेड कॉल्ड मॉडल और एनिमल विच डू इमिटेट्स कॉल्ड मिमिक. अब इसके टाइप्स की बात देखते हैं, तो ये दो टाइप्स की होती है, एक तो सिंपल प्रोटेक्टिव मिमिक्री, और ये हमें आपको यहाँ बता रहे हैं, हम इसके बाद आपको MCQ कराएंगे, केवल सिंपल सा आइडिया दे रहे हैं कि क्या होता है. तो दो टाइप में आपके प्रोटेक्टिव मिमिक्री होती है एक, और ये दो टाइप की होती है, बहुत सिंपल सा, केवल हम यहाँ पे एग्जांपल बताएंगे फिर MCQ करा देंगे, आपके पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा. प्रोटेक्टिव मिमिक्री में आपको देखें दो तरीके की होती है, कॉन्सीलिंग मिमिक्री, कॉन्सीलिंग का मतलब होता है छिप जाना, छिपना खुद को, या एक स्पेशल कैटेगरी होती है कैमोफ्लेज, बहुत ही कॉमन टर्म सुना होगा आपने, जो कलर का मदद लेके अपने को बचा लेते हैं, छिपा लेते हैं, उन्हें हम कैमोफ्लेज भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो प्रोटेक्टिव मिमिक्री दो टाइप की, काउंसलिंग मिमिक्री और बार्निंग मिमिक्री. ठीक है, देखो इसमें ये खुद को छुपा रहा है, बच रहा है, जबकि इस वाले में क्या कर रहा है, ये केवल एक भ्रम पैदा कर रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, और बार्निंग देता है अपने अपने से ज़्यादा पावरफुल एनिमल को, एक कमज़ोर सा एनिमल बार्निंग देता है. तो ये प्रोटेक्टिव मिमिक्री किस लिए, केवल प्रोटेक्ट होने, वो उस पर अटैक नहीं करेगा, केवल प्रोटेक्ट होने के लिए करता है ऐसा. तो दो तरीके की होगी, काउंसलिंग मिमिक्री और बार्निंग मिमिक्री. तो पहला हम देखते हैं काउंसलिंग मिमिक्री में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे डेड लीफ बटरफ्लाई, जिसका जूलॉजी में बात करें तो कलिमा बोला जाता है, और ये क्या करता है, ये काउंसलिंग कलरेशन कलर के थ्रू अपने को बचाता है, छिपा लेता है, इसे कैमोफ्लेज भी बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है. ये राना टिग्री नाम देखा होगा, मेंढक का जो कलर होता है स्किन का वो चेंज होता रहता है, उसमें देखने को मिलती है. इसके अलावा वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट्स होते हैं जिनके जूलॉजी टर्म होते हैं, इनके लिए
डाइफेरोमा फेरोमेरेटा, ये इनके जूलॉजिकल टर्म्स हैं। इसके अलावा कुछ क्रैप्स, क्रैप्स आपने देखा होगा जो आपके आर्थ्रोपोड्स होते हैं ना, उनकी कैटेगरी होती है आर्थ्रोपोडा फाइलम की। इसके अलावा कुछ सम फिशेज, जैसे एक सार्गेसम फिश होती है, सार्गेसम आपने सुना होगा, सी बीट्स होते हैं, तो फिश जो होती है वो बीट्स कितना खुद को दिखा के अपने को बचा ले जाती है, अपने से अपने प्रेडिटर से खुद को बचा लेती है। कैसे रहती है सार्गेसम, सार्गेसम का मतलब समुद्री जो खरपतवार होते हैं बीट्स, उनके बीच में रहती है और उन्हीं की तरह दिखती है, जैसे कि उनसे बड़ा उस फिशेज को खाने वाला है, उस फिशेज को किल करने वाला कोई दूसरा प्रेडिटर उसे पकड़ ना पाए, तो कहने का मतलब है वो फिश जो होती है वो सार्गेसम जो एक बहुत बड़ा एल्गी होता है उसकी तरह दिखाई देती है खुद को, ठीक है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी होती है बार्निंग मिमिक्री। देखो इसमें ये बार्निंग दे रहे हैं, ये केवल मतलब एक झूठी वार्निंग है, असल में ये उतने पावरफुल है नहीं। कोई भी एनिमल जो बार्निंग देता है इस कंडीशन में तो बार्निंग लाइक नहीं है, मगर वो एक होता नहीं जिसे बोलना है भौकाल, मतलब बहुत छोटा चूहा जो होता है वो बिल्ली को डरा दे, इस तरह की कंडीशन वाली है। तो इसमें हम देखते हैं मोनार्च बटरफ्लाई। देखो मोनार्च बटरफ्लाई इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एग्जाम्पल आपका बायसराय बटरफ्लाई हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल आपका कुछ हार्मलेस स्नैक होते हैं, ठीक है। वो खुद को दिखाते हैं कि हम पॉइजनस स्नैक हैं, जिससे कि कोई दूसरा हम या ह्यूमन बींग या कोई दूसरा एनिमल उस पर अटैक ना करे। इसी तरीके से जो बायसराय बटरफ्लाई होती है ये मोनार्च बटरफ्लाई की तरह दिखने पसंद करती है, क्योंकि मोनार्च बटरफ्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके पास एक गंध आती है, उसे कोई भी एनिमल खाना नहीं चाहता, जबकि बायसराय जो बटरफ्लाई है उसके पास किसी तरीके की गंध स्मेल नहीं आती, और दूसरे एनिमल इसे बड़ा हिंदी में बोले तो चाव से खाते हैं, बट ये बायसराय फ्लाई क्या करती है, खुद को मोनार्च बटरफ्लाई की तरह दिखाना पसंद करती है, मतलब दिखा के अपने को बचा ले जाती है। तो पॉइंट समझना, तो बार्निंग मिमिक्री जो होती है मोनार्च बटरफ्लाई, बायसराय बटरफ्लाई, हार्मलेस जो स्नैक होते हैं वो शो करते हैं। इसके अलावा कुछ फ्लाइज, देखिए फ्लाई का मतलब होता है मक्खी हिंदी में अगर बोले, और बीज जो होता है वो भी मक्खी होती है, बट वो भी आपने देखा ना बीज बड़ा खतरनाक होती है, एक डंक मार दिया तो पता लग हो गया काम। और फ्लाई जैसे हम हाउस फ्लाई घर में रह रही कुछ भी नहीं होता कितनी बार काट लें, तो इसी तरीके से फ्लाई जो होती है वो खुद को वी की तरह दिखाना पसंद करती है, किस लिए, केवल बचने के लिए। तो ये आपकी हो जाती है बार्निंग मिमिक्री। अब दूसरी कैटेगरी होती है जनरल में एग्रेसिव मिमिक्री। तो इस एग्रेसिव मिमिक्री की अगर हम बात करें तो ये भी दो टाइप की होती है, ये होती है बेडस्किन मिमिक्री और ये मुलेरियन मिमिक्री। ये साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। अब हम एग्रेसिव मिमिक्री की बात करें तो इसमें आपने देखा होगा फ्रॉग फिश, सी ड्रैगन, स्नैक ऑफ क्रोटाइनी फैमिली के जो स्नैक्स होते हैं वो, तो इसमें कुछ चीज़ें कॉमन भी आ जाएंगी आपको। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बता दूंगा। पहले से देखिए बेडसिन मिमिक्री जो रिप्रेजेंट करी जाती है वो किस तरीके से करी जाती है, इसके एग्जांपल आप देखें तो स्टिक इंसेक्ट्स इसमें आता है, ठीक है। स्टिक इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, एक स्पेशल टाइप के इंसेक्ट होते हैं जो इतने स्मॉल होते हैं कि वो खुद को दिखाई नहीं देते, मतलब बहुत ही स्मॉल से होते हैं। और दूसरा होते हैं डेड लीफ बटरफ्लाई, देखिए उधर भी डेड लीफ बटरफ्लाई थी, यहाँ भी डेड लीफ बटरफ्लाई आ गई। तो इससे बिल्कुल आप कन्फ्यूज ना हो कि कन्फ्यूजन की एग्जाम्पल मैच क्यों कर रहे हैं एक दूसरे के, ओवरलैपिंग क्यों। दूसरा है मुलेरियन मिमिक्री। मुलेरियन मिमिक्री देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है वो आपको बता देता हूँ। मुलेरियन मिमिक्री में होता है कि अभी तक हमने जो भी पढ़े थे दो टाइप, और उनके एक कैटेगरी पढ़ी उसके दो टाइप पढ़े, फिर दूसरी कैटेगरी, फिर उसका एक टाइप पढ़ा अभी तक, तो हमने देखा उसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल की नकल करता है, ठीक है, और खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। जबकि मुलेरियन मिमिक्री में होता है दो लोगों से ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब मोर देन टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, लिखा ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मोर देन टू इंडिविजुअल्स इस मुलेरियन मिमिक्री में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला इसमें एग्जाम्पल जैसे मौत होता है वो खुद को क्या करता है, बैस की तरह दिखाना शुरू करता है। बैस ये दोनों है क्या, ये दोनों इंसेक्ट की कैटेगरीज होती हैं, बट मौत जो होते हैं वो लेस होते हैं, मतलब लेस पॉइजनस ना कहना चाहिए, बैस जो होते हैं ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। तो मौत खुद को बैस की तरह दिखा के अपना प्रोडक्शन कर लेते हैं। अब पॉइंट आता है कि पर्पज क्या होते हैं, पूरे ओवरऑल कंक्लूजन आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये एनिमल जो होते हैं मिमिक्री केवल प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो सिंपल अगर हम बात करें दो बातें ध्यान रखना, ए डिवाइस टू कंसील फ्रॉम प्रेडेटर्स आर प्रे। देखो यहाँ पर दो बातें बहुत ही डीप आपकी इंफॉर्मेशन है, ये जो आपकी क्या है मिमिक्री वो आपकी डिवाइस है टू कंसील, कंसील मतलब छिपाना, फिर से बता देता हूँ, फ्रॉम प्रीडेटर से छिपाने के लिए छोटे जो एनिमल्स होते हैं वो अपने को प्रीडेटर से छिप जाने के चक्कर में अपना कलर चेंज कर लेते हैं या अपनी आकृति ऐसी बना लेते हैं। दो बातें हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं और अपनी आकृति किसी लीफ या किसी लकड़ी के टुकड़े की तरह कर लेते हैं, तब ये पॉइंट आ गया कंसीलिंग फ्रॉम प्रीडेटर्स। और दूसरी कंडीशन है कंसीलिंग फ्रॉम प्रे, अब जो बड़ा एनिमल है वो अपने को प्रे को पकड़ने के लिए अपने को छुपा लेता है या कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं बैठा ही नहीं हूँ, और प्रे जब उसे भूल जाता है कि यहाँ पे कोई प्रेडेटर नहीं है तो वो उसे एकदम उस पर अटैक कर देता है। तो दोनों पॉइंट है कि दोनों के काम आती है, प्रेडेटर जो होता है वो प्रे को पकड़ने के लिए कैच करने के लिए मिमिक्री कर सकता है, और प्रे जो होता है प्रेडेटर से बचने के लिए भी मिमिक्री कर सकता है। तो पॉइंट कि डिवाइस टू कंसील फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड फ्रॉम प्रे, दोनों के लिए पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रोटेक्शन, जैसे भी है प्रोटेक्शन मतलब कंसीलिंग,
इसके बाद अटैक भी कर सकता है, इसमें ऐसा दिखाता है कि मैं अटैक करने वाला हूँ, मतलब डिफेंस। और दूसरा पॉइंट है ऑफेंस, ये भी पॉइंट हो सकता है, ऑफेंस भी इन्वॉल्व है, मकसद इसका यहाँ पर ऑफेंस भी है, डिफेंस भी है, प्रोडक्शन भी है, और एक दूसरे को कंसील करना प्रेडेटर को प्रे से और प्रे को प्रेडेटर से। अब हम इन पे बेस्ट कुछ 20 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, जिससे कि पूरा टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमने बनाया है कि नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज हमने बताया कि जब कोई एनिमल दूसरे एनिमल से बचता है, कैसे बचता है, अपना कलर चेंज करके बचता है, तो उसे हम कैमोफ्लेज बोलते हैं। मिमिक्री तो है बट कलर चेंज करने वाली जो मिमिक्री होती है स्पेशली, उसे हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं। तो ये वाली जो मिमिक्री होती कहाँ पे नहीं पाई जाती है, लिखा कि नॉट एग्जाम्पल, बाकी 3 एग्जाम्पल हैं इसके मगर एक एग्जाम्पल इसका नहीं है, वो क्या चीज़ है। देखो वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट, लीफ इंसेक्ट, कैमिलियंस, डेड लीफ बटरफ्लाइज। तो गाइस करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है इसका डी। कैमिलियन जो होता है आपने सुना एक रेप्टाइल्स होता है और इसमें कैमोफ्लेज नहीं होता। बाकी आपके जो डेड बटरफ्लाइज हैं ये अपना कलर चेंज करती हैं, वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट्स होते हैं ये भी अपना कलर चेंज कर लेते हैं, और लीफ इंसेक्ट होते हैं ये भी अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जबकि जो कैमिलियंस होते हैं इसमें इस तरीके का कोई भी करेक्टर नहीं होता है, कैमोफ्लेज किसी तरीके से ये रिप्रेजेंट नहीं करती है, ठीक है। इस करेक्ट आंसर आपका डी। इसके बाद हम बात करेंगे इन बीच अभी फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एग्रेसिव मिमिक्री। आपने अगर पहले का अभी ऊपर देखा लेक्चर सही से, तो आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, मतलब गुस्सा, एकदम अटैक करने वाली मोड में आ गया, एग्रेसिव मिमिक्री का एग्जाम्पल है सी ड्रैगन, मोनाथ बटरफ्लाई, बायसराय बटरफ्लाई, सार्गेसम फिश। देखो इसमें आपका आंसर है सी ड्रैगन। सी ड्रैगन क्या होता है गाइस, एक टाइप की फिश होती है, आप फिर से आप देख सकते हैं इसमें एग्रेसिव मिमिक्री में। देखो ये एग्रेसिव मिमिक्री आ गया, एग्रेसिव मिमिक्री में सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा हुआ है सी ड्रैगन, या स्नैक ऑफ क्रोटिनी फैमिली के जो स्नैक होते हैं वो भी, और एक फ्रॉग फिश, फ्रॉग अलग होता है फिश अलग होती है, मगर एक पर्टिकुलर एनिमल होता है जिसे फ्रॉग फिश बोलते हैं, उसमें भी एग्रेसिव मिमिक्री देखने को मिलती है। कहने का मतलब जैसे मेंढक को आपने बैठे देखा होगा, तो मेंढक तो कलर चेंज करता है, मगर मेंढक का बैठने का तरीका ये होता है कि जैसे हम मेंढक को अपने घर से भगा रहे हैं सपोज करो, तो मेंढक जब बैठता है रुकता है कहीं तो उसकी ऐसा लगता है कि वो हमारे पर जस्ट अटैक करने वाला है, जबकि वो ऐसा होता नहीं, उसकी बनावट जिस तरीके का, उसका अपना जो बिहेवियर वो इस तरीके का, तो उसे कहते हैं एग्रेसिव, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका आता है कि इसमें कौन सा जो है एनिमल एग्रेसिव मिमिक्री का एग्जाम्पल, जो सी ड्रैगन, जबकि मोनाज बटरफ्लाई और आपकी बायसराय बटरफ्लाई और सार्गेसम फिश ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दूसरी, जैसे मोनाज बटरफ्लाई की बात करें तो फिर से एक बार हम अपना वीडियो देख सकते हैं, मोनाज बटरफ्लाई आपको कहाँ पे देखी थी, मोनाज बटरफ्लाई आपको यहाँ पे देखी थी, देखिए मोनाज बटरफ्लाई आपको देखी थी ये बार्निंग मिमिक्री टाइप का होता है, ठीक है। बायसराय मोर, अब हम पूछ किसकी बात करें, एग्रेसिव, ये बार्निंग देती है जबकि ये एग्रेसिव की बात करता है, तो एग्रेसिव मिमिक्री जो होती है वो सी ड्रैगन के थ्रू रिप्रेजेंट करी जाती है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, ए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, वेयर टू आर मोर अनपैलेटेबल स्पीसीज शोज रिजेम्बलेंस। देखो एक ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से मिमिक्री में दो अनपैलेटेबल, अनपैलेटेबल का मतलब ऐसे एनिमल है जिनके पास से बदबू आती है हिंदी में अगर हम बोलें, और अनपैलेटेबल है कि दूसरे एनिमल उन्हें खाना नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरह दिखते हैं, जबकि उसमें एक के पास अनपैलेटेबिलिटी है जबकि दूसरे के पास नहीं है, मतलब दोनों दिखाते क्या कि मेरे पास भी इस तरीके की बैड स्मेल आती है, मुझे कोई ना खाए, ठीक है, मैं उसी की तरह हूँ जिसे आप खाते नहीं हैं। और एनिमल बिल्कुल सही है, उसे हम पैलेटेबल, उसे दूसरे प्रीडेटर खा सकते हैं, मतलब वो दिखाता कैसा है खुद को, अनपैलेटेबल। तो कहने का मतलब वेयर टू आर मोर, तो आपका क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाता है, हमने बताया ना जब टू आर मोर की बात आए तो एकदम आपका आंसर हो जाएगा मलेरियन मिमिक्री, कोई भी कन्फ्यूजन ना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, इन बीच आर दी फॉलोइंग वन डिस्कवर्ड द बेडसियन मिमिक्री। देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि भाई इन्हें याद कर लें कि बेडसियन मिमिक्री को किसने डिस्कवर करा था, एक पूरा कॉन्सेप्ट किसने दिया, हमने बताया H.W. बेट्स ने मिमिक्री का कॉन्सेप्ट दिया था, बट यहाँ पे बात करेगी बेडसियन मिमिक्री किसने डिस्कवर करी थी, तो उसके नाम पे ही नाम है, बेडसियन मिमिक्री का मतलब हेनरी बेट्स ने करी थी, ठीक है। इसके बाद आता है इन बीच आर दी फॉलोइंग हैविंग करेक्ट पेयरिंग, करेक्ट पेयरिंग की बात देखो बात करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर निकाल दोगे। करेक्ट मैचिंग, करेक्ट मैचिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टेटमेंट हैं हम उन्हें अच्छे से पढ़ें और देखें कि सही मैचिंग है या नहीं है। अभी आपने देखा सी ड्रैगन एग्रेसिव मिमिक्री, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है हार्मलेस स्नैक, हार्मलेस स्नैक अपने को कैसा दिखाना चाहते हैं, पॉइजनस स्नैक की तरह, इस तरह क्या है मतलब, ये बॉर्निंग मिमिक्री, कलर नहीं चेंज करते, खुद को दिखाना चाहते हैं उसकी तरह। थर्ड मौत और बैस, मौत जो होता है कम पॉइजनस होता है, बैस जो होता है ज़्यादा पॉइजनस होता है, तो ये इसमें क्योंकि बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, इनका मतलब हुआ ये मास लेवल पर ये चीज़ रिप्रेजेंट करी जाती है, मतलब मोर देन 2, तो ये कैसी हो गई आपकी मलेरिया मिमिक्री, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद कलीमा, जिसे हम बोलते हैं डेड लीफ बटरफ्लाई,
तो ये जो होती है डेड लिफ्ट बटरफ्लाई, तो इसमें दो चीज़ें रिप्रेजेंट करी जाती हैं, ये मैं इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहा हूँ। इसमें देखिए बेडसेल मिमिक्री भी शो करी जाती है और कैमोफ्लेज भी शो करती है। कहने का मतलब है ये अपना कलर भी चेंज कर सकता है और ये बेडसेल मिमिक्री भी शो करती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर थोड़ा ज़्यादा होता है बट ठीक है। और एक बात और आपको इंपॉर्टेंट बता देते हैं क्या कि कैमोफ्लेज जो होता है उसमें केवल कलर के थ्रू हम अपने को बचा के भागते हैं वहाँ से, ठीक है, या अपने जो दुश्मन होते हैं प्रेडेटर्स होते हैं उनसे बचा लेता है, कलर का केवल रोल प्ले करता है। जबकि बेडसेल मिमिक्री में क्या होता है कि वो अपनी शेप को भी चेंज कर सकते हैं, अपनी शेप मतलब बैठने का तरीका, कि वो ऐसे लगें कि जैसे कि कोई पत्थर पड़ा हुआ है या कोई डेड लीव्स है या ड्राई लीफ की तरह खुद को दिखाने लगे, तो वो बेडसेल मिमिक्री में आता है। और यहाँ पर दो से ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, दूसरा करेक्टर से, तो जो कलिमा डेड बटरफ्लाई जो होती है जो उसमें दोनों करेक्टर पाए जाते हैं, वो कैमोफ्लेज भी होती है मतलब प्रोटेक्टिव मिमिक्री भी शो करती है बाई चेंजिंग द कलर, एंड वो बेडसेल मिमिक्री भी शो करती है। तो करेक्ट करेक्ट आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे ई, सभी स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं कि ट्रू स्टेटमेंट इज आर। अब देखो मैंने यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट कुछ लिखे हैं, आपको ये बताना है कौन से ट्रू है। एट सेवरल प्लेसेज बेडसेल मिमिक्री इन्वॉल्व वार्निंग मिमिक्री। देखो कितनी अच्छी बात बोली, कुछ प्लेसेज पे बेडसेल मिमिक्री में आपकी वार्निंग मिमिक्री भी इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल सही बात है। कैसे करके आप देख सकते हो, इसमें फिर से आप इसमें जाओ थ्योरी के लेक्चर में, बेडसेल मिमिक्री आप देखो यहाँ पे, ये आपने देखा ना इस एग्जांपल, देखो स्टिक इंसेक्ट, लीफ इंसेक्ट, डेड लीफ इंसेक्ट। बेडसेल मिमिक्री आपको क्या बताई कि यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने को पैलेटेबल है खुद, मगर वो क्या करता है, वो एक ऐसे अनपैलेटेबल ऑर्गेनिज्म की तरह दिखाई शो करता है कि उसे कोई भी फीड ना कर सके। और इसके लिए वो दो काम करता है, अपनी फार्म और शेप दोनों में चेंजिंग करता है, ठीक है। तो दो करेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। और ये मोर देन टू एनिमल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करी जाती है बैस वगैरह के थ्रू, बटरफ्लाइज के थ्रू, लीफ इंसेक्ट के थ्रू, स्टिक इंसेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है कि आपका जो क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि इन सेवरल प्लेसेस में बेडसेल मिमिक्री इन्वॉल्व वार्निंग मिमिक्री। बिल्कुल सही बात है गाइस, ये ऐसा पॉसिबल है। दूसरा पॉइंट है कि बेडसेल मिमिक्री इन्वॉल्व रिजेंबलेंस इन मॉर्फोलॉजी। मतलब मॉर्फोलॉजी का मतलब वो भाई कलर अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये मेरा मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर है, मेरी फिजियोलॉजी थोड़ी ना चेंज हुई, ना मेरा बैठने का तरीका, ना मेरी शेप चेंज हुई। बट बेडसेल मिमिक्री में दो पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, मॉर्फोलॉजी का मतलब हम कलर चेंज कर सकते हैं एंड हम अपनी शेप दोनों को चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब कलर चेंज वाली पॉइंट जो है वो तो आपकी उसमें आगे प्रोटेक्टिव मिमिक्री में, मतलब जिसे हम कैमोफ्लेज बोल सकते हैं, और हम अपनी शेप को भी चेंज कर सकते हैं, ये बेडसेल मिमिक्री का पॉइंट्स है। इसके अलावा जो कॉन्सेलिंग मिमिक्री होती है जिसे हम अपने को छिपा लेते हैं कलर चेंज करके, सोज ऑनली मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। हाँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जो कंसीलिंग मिमिक्री होती है, जो हमने बताया था पहला वाला पॉइंट आपको, उसमें केवल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी की बेस पे हम अपने को प्रोटेक्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जबकि बेडसेल मिमिक्री में हम दो काम करते हैं, हम कलर भी चेंज कर सकते हैं और अपनी शेप को भी चेंज कर सकते हैं, कि हम ऐसे दिखें जैसे कोई ड्राई लीव्स है या कोई पत्थर का टुकड़ा मतलब डेड स्टोन्स पड़ा हुआ। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा प्रीडेटर्स है वो समझता है कि इट इज़ नॉट एनिमल, ये मेरा फूड नहीं है बल्कि ये डेड स्टोन है, तो इस तरीके से वो अपने को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है डी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं इन एग्रेसिव मिमिक्री। एग्रेसिव मिमिक्री का मतलब कि हमारी जो बैठने की बनावट है, जो हमारा लुकिंग ऐसी हो जाए कि हमसे दूसरे एनिमल जो पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो हमसे डरने लगे। तो इन एग्रेसिव मिमिक्री लेस पावरफुल एनिमल आर पैलेटेबल एनिमल। पैलेटेबल का मतलब कि आराम से दूसरा एनिमल उसे खा सके, खुद को पैलेटेबल बता रहे हैं, जो पैलेटेबल है मतलब इसका मतलब कमज़ोर है, दूसरे एनिमल से आराम से खा सके और लेस पावरफुल भी है। मिमिक करता है, मिमिक मतलब नकल करता है, मतलब इमिटेट करता है टू मॉडल। अब वो मॉडल जो होगा वो देखो यहाँ पे बहुत अच्छी क्वेश्चन बात करी गई है कि एग्रेसिव मिमिक्री में जो बेचारा लेस पावरफुल एनिमल होता है, जो पैलेटेबल एनिमल होता है, जो दूसरे को द्वारा खाया जाता है, वो नकल करता है। किसकी नकल करता है, केवल लिविंग ऑब्जेक्ट की नकल करके खुद को बचाता है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की नकल करके खुद को बचाता है, दोनों की करता है या किसी की नहीं करता है। तो दोनों इन्वॉल्व हैं। देखो वो कभी ड्राई लीफ की तरह भी लग सकता है, ठीक है, तो ये कैसा हो गया, नॉन लिविंग हो गया, क्योंकि ड्राई लीफ उसकी जान खत्म हो गई उसके अंदर से। कभी वो लिविंग प्लांट के पेटल्स की तरह दिखता है, कभी प्लांट की जो लिविंग ग्रीन लीफ है उसकी तरह दिखता है। तो ये दोनों क्वालिटी पॉसिबल है एग्रेसिव मिमिक्री में, कि वो लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह भी दिखा सकता है खुद को, वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह भी दिखा सकता है। ये बात ध्यान रखना है आपको। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अभी कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से हैं, केवल बॉटनिकल नेम पूछे हैं जूलॉजिकल एनिमल के, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे जूलॉजिकल नेम ऑफ मोनार्च बटरफ्लाई, मोनार्च बटरफ्लाई का जो बॉटनिकल नेम जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है डेनस पेलेजियस, ठीक है, अब ध्यान रखना। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जूलॉजिकल नेम ऑफ बाइसराय बटरफ्लाई, बाइसराय बटरफ्लाई का नाम होता है गाइस बैसिलार्चिया आर्चिपस। करेक्ट आंसर आपका बी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं 10 नंबर पर, जूलॉजिकल नेम ऑफ
सार्गेसम फिश, जो सार्गेसम फिश की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो सार्गेसम फिश का बॉटनिकल नेम होता है गाइस सी हिस्टरियो हिस्टरियो, ठीक है, ध्यान रखना है सार्गेसम फिश का बॉटनिकल नेम हिस्टरियो हिस्टरियो, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपका जियोलॉजिकल नेम दे दे, तो कन्फ्यूज मत होना, आपको खूब पता है सार्गेसम फिश क्या करती है, तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं कि सार्गेसम फिश जो होती है आपकी सिंपल एक आंसर होता है कि आपकी जो कैंसिलिंग मिमिक्री शो करती है। अब आपको पता चला उन्होंने पूछ लिया एग्जाम में कि हिस्ट्री हिस्ट्री क्या कौन सी मिमिक्री शो करता है, तब आप कंफ्यूज हो गए, तो आपको सार्गेसोफी का बॉटनी जूलॉजिकल नेम पता होना चाहिए हिस्ट्री हिस्ट्री बोलते हैं इसे। इसके बाद हम बात करते हैं जूलॉजिकल नेम ऑफ सी ड्रैगन। सी ड्रैगन देखो सबको पता है सी ड्रैगन क्या करता है, सी ड्रैगन आपको खूब पता, मैंने अभी क्वेश्चन बनाया था, सी ड्रैगन आपका एग्रेसिव मिमिक्री शो करता है, एग्रेसिव मिमिक्री शो करता है। अब आपको पता लिया कि जूलॉजिकल नेम दे दिया पेपर में तो आप कन्फ्यूज हो गए, तो इसका नाम होता है एंटेनेरियस, ठीक है, एंटेनेरियस आपका ये इसका जूलॉजिकल नेम होता है, एंड सॉरी इसका जूलॉजिकल नेम होता है फाइलोप्टेरिक्स, ठीक है, सी ड्रैगन का बॉटनिकल नेम होता है जूलॉजिकल नेम सॉरी बॉटनी वर्ड आ रहा है फाइलोप्टेरिक्स। इसके बाद हम क्वेश्चन में बात करते हैं जूलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग फिश, फ्रॉग फिश का बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम क्या होता है, फ्रॉग फिश का जूलॉजिकल नेम होता है एंटेनेरियस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं जूलॉजिकल नेम आप वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट जो होते हैं, इनका एक मतलब इस ग्रुप के मेंबर का नाम दे दिया, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना जूलॉजिकल, इनका नाम होता है डाई फेरोमेरा फिमोरेटा, ये आपके वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट होते हैं, और ये आपको बताया मैंने क्या कौन सी मिमिक्री शो करते हैं गाइस, ये आपकी करते हैं कॉन्सीलिंग मिमिक्री भी शो करते हैं और ये बेडसीन मिमिक्री भी शो करते हैं, मतलब ये कलर भी चेंज करके अपने को बचा सकते हैं और ये बॉर्निंग मिमिक्री अपनी शेप को चेंज करने करके भी अपने जो प्रीडेटर्स होता है, ठीक है, जो इनका प्रीडेटर जो इन्हें किल कर सकता है उसे डरा सकते हैं, मतलब बार कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चन पूछे जा गए एग्जाम में, मिमिक्री इज अ डिवाइस ऑफ, ये हमने आपको बता दिया, कंसीलिंग फ्रॉम प्रीडेटर, प्रीडेटर से भागने की भी डिवाइस है, ये कौन करेगा, ये प्रे करेंगे, कंसीलिंग फ्रॉम प्रे, प्रे को पकड़ने की डिवाइस जो प्रेडेटर द्वारा करी जाती है, ये भी पॉसिबल है, ये मिमिक्री तो कोई भी कर सकता है, प्रे जो होता है वो अपने प्रेडेटर को भगाने के लिए, उससे उसे बार्न करने के लिए, उससे छिपने के लिए कर सकता है, और प्रेडेटर जो होता है वो प्रे को पकड़ने के लिए मिमिक्री कर सकता है, दोनों बातें हैं, ठीक है, कलर चेंज कर ले प्रेडेटर्स और ये प्रे को मालूम नहीं चले कि यहाँ पे मेरा प्रेडेटर बैठा हुआ, प्रे आराम से वहाँ पे मूव करे और फिर उसके बाद प्रेडेटर उसे प्रे को पकड़ सकता है, तो दिस इज मिमिक्री बाय द प्रेडेटर्स टू किल द प्रे, एंड देन दूसरे केस में क्या कर सकते हैं कि जो प्रेडेटर्स है और प्रे को मालूम चल गया प्रेडेटर यहाँ पे, तो प्रे अपना कलर चेंज कर लिया, प्रेडेटर कन्फ्यूज हो गया कि मेरा जो फूड मटेरियल था प्रे कहाँ चला गया, अब ढूंढता रहे ना मिले, और दूसरा प्रे ऐसा भी कर सकता है कि उसे इस तरीके किसी पॉइजनस एनिमल की तरह अपनी शेप को चेंज कर ले और प्रे अपने प्रेडेटर को बार्न कर सकता है और इस तरीके से अपनी जान बचा सकता है, तो मिमिक्री दोनों लोग कर सकते हैं। इसके अलावा मिमिक्री डिवाइस ऑफेंस और डिफेंस दोनों की है, बिल्कुल सही बात है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं बायसराय बटरफ्लाई देखो मिमिक्ड करती है, ये बात ध्यान रखो, हमने आपको बताया कि बायसराय बटरफ्लाई जो होती है वो खाने योग्य है, मतलब पैलेटेबल है, अब ये खुद को दिखाती है कि हम जो है भाई कैसे हैं, हम जो होते हैं वो मिमिक किसकी, ड्रैगन फ्लाई की, हाँ ड्रैगन फ्लाई की मिमिक करती है ये, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई जो बटरफ्लाई होती है बायसराय वो ड्रैगन फ्लाई की मिमिक करती है कि भाई मुझे मत खाना मैं ड्रैगन फ्लाई हूँ, ड्रैगन फ्लाई जो होती है बहुत ज़्यादा इसके अंदर से बैड स्मेल आती है, ठीक है, जो प्रीडेटर्स होते हैं तो बायसराय बटरफ्लाई को इसलिए छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ड्रैगन फ्लाई है और ड्रैगन फ्लाई नहीं होती वो बायसराय फ्लाई होती है, तो बायसराय बटरफ्लाई होती है वो लुकिंग लाइक ड्रैगन फ्लाई, मतलब मिमिक्री किसी करती है वो ड्रैगन फ्लाई करती है, करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पहली लाइन बताई थी जो मिमिक्री है वो किस लैंग्वेज का टर्म है, वो ग्रीक टर्म का लैंग्वेज है, मतलब टर्म है। इसके बाद बेडसीन मिमिक्री एग्जाम्पलीफाइड बाई, अब फिर से एक बार क्वेश्चन हम करते हैं, बेडसीन मिमिक्री हमने आपको बताई है कि इसमें आपके एग्जाम्पल ओवरलैप हो सकते हैं, जैसे स्टिक इंसेक्ट, लीफ इंसेक्ट, डेड लीफ बटरफ्लाइज, और करेक्ट आंसर आपका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं कंसीलिंग मिमिक्री एग्जाम्पलीफाइड, देखो भाई आंसर फिर से होंगे इसमें डेडली बटरफ्लाई, वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट, ठीक है, और क्रैप्स एंड सार्गेसम फिश भी आपको, कंसीलिंग मतलब छिप जाना, सार्गेसम फिश जो होती है वो तालाब में पाई जा रही है, समुद्र में पाई जा रही, समुद्र में एलगी भी प्रेजेंट है, उसका क्या नाम है सार्गेसम, वो फिश जो होती है वो सार्गेसम की तरह दिखने लगी, तो उसके जो प्रीडेटर होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं कि भाई ये तो एलगी है ये, जबकि वो होती क्या फिश है। इसी तरीके जो क्रैप्स होता है, क्रैप्स आपके आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो भी इसी तरीके की एक्टिंग कर लेते हैं और खुद को बचा लेते हैं अपने प्रीडेटर से, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करते हैं
फ्रॉग फिश सोच, फ्रॉग फिश जो होती है जो उसमें किस तरीके की मिमिक्री होती है, तो आपको बता चुके अग्रेसिव मिमिक्री होती है, क्योंकि देखो फिश सिंपल होता है, फ्रॉग के अंदर क्या होता है बैठने का तरीका देखना, ऐसा लगेगा बिल्कुल आपके ऊपर अटैक करने वाला होता है, ठीक है। तो फ्रॉग फिश के अंदर कौन सी मिमिक्री होगी, एग्रेसिव मिमिक्री होगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इन विच आर द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मिमिक्री विच मिमिक प्रोटेक्ट इट सेल्फ बाई हेल्प ऑफ वार्निंग कलरेशन। देखो बड़ा अच्छी बात है, बड़ा क्वेश्चन को समझो, कह रहा है कि इनमें चाहिए फॉलोइंग टाइप ऑफ मिमिक्री वेयर मिमिक मतलब जो बेचारा गरीब एनिमल है, मतलब पैलेटेबल एनिमल है, लेस पावरफुल एनिमल, वो मिमिक करता है टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ अपने को बचाने के लिए बाई हेल्प ऑफ वार्निंग कलरेशन, अपना कलर बदलने के, कलर बदल के अपना अपनी स्किन का कलर चेंज कर लेता है, तो ये कौन सी मिमिक्री होगी, एग्रेसिव मिमिक्री तो नहीं होगी क्योंकि कलर चेंज करना एग्रेसिव नहीं आती, बेडसी मिमिक्री, मलेरियल मिमिक्री तो कभी नहीं होगी। तो आपका आंसर क्या होना है बताएं, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, मलेरियन तो नहीं, क्योंकि मलेरियन में तो मल्टीपल का यूज होता है मोर देन टू, जबकि यहाँ पे केवल दो लोग हैं, वार्निंग ये दे नहीं रहा है, एग्रेसिव ये हो नहीं रहा, तो ये क्या होगा बेडसियन मिमिक्री होगी गाइस। बेडसियन मिमिक्री आपका करेक्ट आंसर है इसका, कि जो आपका कोई भी एनिमल जो खुद को मिमिक करता है, क्योंकि इसलिए कलर चेंज करके, क्योंकि बेडसियन मिमिक्री में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है ध्यान रखना है, और इसमें जो कंसीलिंग मिमिक्री का ऑप्शन नहीं है, तो सबसे जो अच्छा ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है, वो आपका बेडसियन मिमिक्री है, क्योंकि बेडसियन मिमिक्री में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, कलर इन्वॉल्व होता है, दूसरा एनिमल जो होता है वो अपना शेप अपनी आकृति चेंज कर लेता है, जबकि जो प्रोटेक्टिव मिमिक्री का जो पहली कैटेगरी है गाइस कंसीलिंग मिमिक्री, उसमें केवल कलर चेंज करके, जिसे हम बोलते हैं कैमोफ्लेज, उसके थ्रू अपने को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है कि कलर मिमिक करता है बाय हेल्प ऑफ वार्निंग कलरेशन के थ्रू, वार्निंग तो दे रहा है मगर कलरेशन के थ्रू वार्निंग दे रहा है वो कलर चेंज करके, अब उन्हें कलर चेंज करके वार्निंग दे रहा है, तो कलर चेंज करके वार्निंग का मतलब है छिप जाना, तो वार्निंग तो नहीं हुई, मगर इसका मतलब वो कलर के साथ क्या कर रहा है, वो अपनी शेप को भी चेंज कर रहा है, वो लुक लाइक कैसे पावरफुल एनिमल की तरह दिखना चाह रहा है, और उसने कलर भी चेंज कर लिया, तो ये होती है आपकी बेडस्किन मिमिक्री, कलर डी आंसर, ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।